बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल सोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज असीब यामीन खान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गौहर स्किल अप मैथमेटिक्स सीरीज ग्रेड 2। इन दिस बुक वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 3 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट 3 इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, डिवीजन कैन नॉट बी डन इन एनी ऑर्डर। वो कहते हैं डिवीजन हर ऑर्डर में नहीं की जा सकती। देखें वो कह रहा है, इफ़ वी डिवाइड 8 कार्स इन 4 चिल्ड्रन, अगर हमारे पास 8 कार्स और 4 चिल्ड्रन में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो सिंपली हर बच्चे के पास 2 कार्स आ जाएंगी। बट इफ़ वी डिवाइड 4/8, अगर मैं 4 कार्स को 8 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना चाहूँ द आंसर वुड बी हाफ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ठीक है, अब वो देखें ये इसी के से हो रहा है कि हर बच्चे को फिर हाफ हाफ कार आएगी। देखें अब वो कह रहे हैं, इफ वी डिवाइड 6/3 एंड 3/6 वोट द आंसर विल बी सेम। वो कहता है अगर मैं 6 को 3 पे डिवाइड करूं या 3 को 6 पे डिवाइड करूं आंसर सेम होगा, नहीं आंसर इनका सेम नहीं होगा। ये डिवीजन इस चीज़ को होल्ड नहीं करता कि अगर आप टर्म ऊपर नीचे चेंज कर दें या रिप्लेस कर दें तो आपका आंसर सेम आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा यहाँ क्या है कि आंसर हमारा सेम नहीं होगा। वर्ड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। देखें वर्ड प्रॉब्लम हमें कह रहा है, मारिया हैज 24 ऑरेंज स्टोर्ड इन बॉक्सेस। ठीक है, वो कह रहा है कि उसने 24 जो ऑरेंज है वो स्टोर किए हैं। इफ देयर आर 3 बॉक्सेस, और उसके पास बॉक्स कितने हैं 3, हाउ मेनी ऑरेंज आर देयर इन ईच बॉक्स। तो कहते हैं एक बॉक्स में कितने ऑरेंज होंगे। देखें वो कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑरेंज ईच बॉक्स, अगर आप एक डब्बे में देखना चाहेंगे कितने ऑरेंज हैं तो आप सिंपली क्या करें कि आपके पास टोटल ऑरेंज 24 है और बॉक्सेस आपके पास कितने हैं 3, तो इनको डिवाइड कर दें। तो जब 24 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपको जब पता लगेगा 3 के डब्बे 24 कहाँ आता है 8 पे, तो इट मीन्स डैट कि हर बॉक्स में 8 ऑरेंजेस मौजूद हैं। वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम इन योर नोटबुक। नोटबुक को इसको रिजॉल्व करें, दे आर 9 स्टूडेंट्स एंड 18 पेंसिल्स इन अ क्लासरूम। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं 9 ठीक है और पेंसिल्स कितनी है 18 इन अ क्लासरूम। इफ द पेंसिल्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स, तो कहता है अगर हम सबको इक्वली डिवाइड कर दें हाउ मेनी पेंसिल्स डज ईच स्टूडेंट गेट, तो कहता है बताएं कि एक बच्चा कितनी पेंसिल्स हासिल करेगा। तो देखें मेरे पास कितनी पेंसिल्स है 18 और स्टूडेंट्स कितने हैं 9, तो मैं कह रहा हूँ देखें 9 के डब्बे 18 का आता है 2 पे, तो 9 to 18 इट मीन्स ईच स्टूडेंट विल गेट 2 पेंसिल्स, ईच स्टूडेंट विल गेट 2 पेंसिल्स। जी सर, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।